भारतीय रसोई घर में पाई जाने वाले लौंग औषधीय गुणों से भरपूर होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लौंग खाने के फायदों के बारे में। लौंग खाने का स्वाद बढ़ाने का तो काम करती ही है और एक अद्भुत मसाला है, लेकिन कई सारे स्वास्थ्य लाभों से भी जुड़ी हुई है लौंग। वर्षों से आयुर्वेद में लौंग और इसके तेल का इस्तेमाल हम दवाई के रूप में कर रहे हैं। अगर एक्सपर्ट्स के अनुसार बात करें तो दिन में एक या दो लौंग का सेवन करने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरीके की परेशानियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दिन में एक या दो लौंग का सेवन लगातार करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। लौंग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। लौंग के सेवन से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि हमारे सफेद रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण में सहायता मिलती है, जो कि शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती है, संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। लौंग में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। लौंग में कई अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दांत या फिर दांतों के आसपास आ रही सूजन को या फिर उसके दर्द को कम करने में आराम देते हैं। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो कि दांतों से संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। अगर आपके भी दांतों में दर्द है तो अगर आप लौंग को अपने दांतों के बीच में दबा लेंगे या फिर चबा के इसे च्यू कर लेंगे अच्छे से तो आपके दांतों में जो होने वाला दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ ही लौंग के सेवन से हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। लौंग में जो मौजूद पाचक रस होते हैं वो हमारे डाइजेशन को, हमारी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। लौंग में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और पेट से जुड़ी हुई हर तरीके की समस्याओं को ठीक करने में लौंग बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा भुनी हुई लौंग या फिर इसके पाउडर को खाने से हमारे जो डाइजेशन है वो स्पीड अप होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है। आप जो भी खाने में खाएंगे वो बहुत अच्छे से आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएगा। तो लौंग आपको कैसी लेनी है, आपको बड़ी लौंग लेनी है, छोटी छोटी लौंग का यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उनमें एसेंशियल ऑयल, उनका नेचुरल ऑयल भी कम रहता है। इस तरीके से जो बड़ी लौंग आपको साइज में दिख रही हो और ऊपर जो इसके जो छोटी सी आप ये कैप तरीके देख रहे हैं ये इसमें होना चाहिए, टूटी नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट तरीके की लौंग है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज्यादा रहते हैं। लौंग में भरपूर मात्रा में डाइट्री सोर्स भी पाए जाते हैं और लौंग को लेने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है लौंग। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लौंग बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की तरह काम करती है। लौंग में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले गुण भी पाए जाते हैं और शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में लौंग बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। शोध के अनुसार लौंग का सेवन हम कई सालों से दवाई के रूप में कर रहे हैं, लगातार अगर आप दिन में एक या दो लौंग का सेवन करेंगे तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो ये उसके अगेंस्ट भी फाइट करती है, संक्रमण से लड़ने और संक्रमण को फैलने नहीं देती है। लौंग में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो कि सिर दर्द के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अगर आपको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दिन में एक या दो लौंग का आप सेवन करेंगे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और कभी कभी जो एकदम से हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे हेडेक के अगेंस्ट भी फाइट करेगी और सिर दर्द से हमें आराम दिलाने वाली है। लौंग में मैग्नीज होता है और कई अलग अलग तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये स्वस्थ खनिज पदार्थों से बनी हुई होती है और लौंग का तेल अगर हम अपने जोड़ों पर मसाज करेंगे तो हमारे जोड़ों के दर्द से भी हमें छुटकारा मिलता है। लिवर को हमारे डिटॉक्स करने का काम करती है लौंग। लौंग के तेल में अलग अलग तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे घुटनों के दर्द से फाइट करते हैं और हमारे कमर के दर्द को भी ठीक करने का काम करते हैं। मोटापा कम करने के लिए भी लौंग बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इस तरीके से आप 15 से 20 लौंग को ब्लेंडर में डालें और लौंग का फाइन पाउडर बनाकर आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए एक पिंच लौंग के पाउडर को गर्म पानी में डालें और फिर आप उसे पी लीजिए। देखिए आप कितनी इजीली अपने वेट को कम कर पाएंगे। लौंग की जगह आप लौंग के पानी का भी सेवन कर सकते हैं। रोजाना लौंग वाला पानी पीने से हमारी बढ़ी हुई चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लौंग में हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोकने की क्षमता भी होती है। अपनी डाइट में से शामिल करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप इसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। सिर्फ एक पिंच लेनी है क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है और ठंड के मौसम में लौंग को लेने से सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या भी हमारी खत्म हो जाती है। आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि हमें लौंग को कैसे लेना चाहिए।
मात्रा के बारे में भी बताया है, खड़ी लौंग ले रहे हैं तो एक या दो लेना है, और पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो सिर्फ एक चुटकी लौंग का पाउडर आपको यूज करना है।